वो एक फकीर था, बाजार से गुजर रहा था तो लोगों को दुनिया में खोए हुए देखा तो दिल में रहम जागा, तो उनको समझाया कि ये सब कुछ दुनिया ही नहीं है, इस दुनिया के बाद भी कोई जहां है, तुमने किसी के हुजूर पेश होना है और अपने आमाल की जवाबदही तुम्हारे कंधों पे है, तो आओ अपनी आखिरत को याद करो और अपने रब से ताल्लुक जोड़ लो। लोगों ने कहा जा बाबा काम कर, तुझे क्या पता कि दुनिया की लज्जतें क्या हैं और हम किस काम काज में लगे हैं, जा अपना काम कर। वो शख्स दिल बर्दाश्त हो गया, वहाँ खड़ा होकर आंसू बहाने लगा। कोई शख्स गुजरता हुआ रुक के कहने लगा कि किसी ने तुझे तंग किया है, किसी ने तेरे ऊपर कोई ज्यादती की है, तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा किसी ने कोई ज्यादती नहीं की, बस इनके रवैये ने रुला दिया। कहा क्या हुआ? कहा गुजर रहा था, इनको दुनिया में खोए हुए देखा, दिल में ख्याल जागा कि इन बंदों की और रब की सुलह ही ना करवा दूं। तो कहा फिर क्या बना? कहा वो तो मान गया था, यही नहीं माने। वो तो कहता था ले आ मेरी दहलीज पे, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, लेकिन इनसे बात की तो ये नहीं माने। खैर वक्त गुजर गया। वही शख्स दो एक दिन के बाद कब्रिस्तान के करीब से गुजरा तो वही फर्द वहां रोता हुआ पाया गया, तो उसने फिर अपनी गाड़ी अपनी सवारी रोकी और कहा बाबा अजीब शख्स है, बाजारों में भी रोता है कब्रिस्तानों में भी रोता है, आज क्या मसला तुझे हुआ? कहा मसला वही मेरा कल परसों वाला है, बाजार में गया था और मेरा ख्याल था कि बंदों और रब की सुलह करवा दूं, वो तो मान गया लेकिन ये ही नहीं माने, मायूस होके आज कब्रिस्तान वालों के पास आ गया और यहां मेरा ख्याल ये हुआ इनकी और उसकी सुलह करवा दूं। तो बड़ी दिलचस्पी से पूछा कि आज क्या बना? कहा आज ये मान गए वो नहीं मानता। तो कबल इससे कि वो वक्त आए और हम कहें कि या लैतनी कद्दमतु लहयाती, हाय मैंने ये जिंदगी आखिरत के लिए आगे भेज दी होती, तो आज वक्त है, वक्त पर काफी है कतरा भी आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसामी तो फिर किस काम का। जिन्होंने अपनी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी, ख्वाहिशात नफ्स में गुजार दी, आरजुओं और तमन्नाओं में बसर कर दी, दो दुनी चार के चक्कर में पड़े रहे, दौलत के अंबार लग गए फिर भी नफ्स रज्जा नहीं है, अंदर की ख्वाहिशात तशना की तशना ही रही, फिर भी सैराबी नहीं हुई, कूजाए चश्मे हरीसा पुर नशुद, ता सदफ काने नशुद पुर दुर नशुद। रूमी अलैह रहमा फरमाते हरीस की आंख का प्याला नहीं भरता। कहा कि जब तक सदफ काने नहीं होता उसमें मोती नहीं आते, और सादी शिराजी बोलते हैं कि पेट भर जाता है आंख नहीं भरती। तो सारी जिंदगी हाल में मजीद के नारे लगाते रहे, जितना भी मुयस्सर हुआ फिर आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, किसी जगह पर भी फुल स्टॉप ना आया, और जिंदगी यूं गुजरती रही, बसर होती रही और अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, हत्ता ज़ुर्तुमुल मकाबर, यहाँ तक के कब्रों में जा पहुंचे। तो आज अपनी आंखों के सामने मौत का रक्स देख रहे हैं और हम पूरी कायनात के अंदर देख रहे हैं कि जो वसाइल से माला माल थे, जिन्होंने दुनिया को तस्खीर करने का दावा किया था, जिनका ख्याल ये था कि हम हर तरह के हालात से निपटने की सलाहियत रखते हैं, हमारे पास तमाम वसाइल मुयस्सर हैं, लेकिन आज किस तरह बेबसी की तस्वीर नजर आती है। तो इंसान को समझना चाहिए कि अल्लाह की ताकत कितनी है। एक तो कयामत के दिन जब लोग आगोश मौत में होंगे और बड़े बड़े मुतकब्बिरीन सरकश मुतमर्रदीन बादशाह शहनशाह कज कोला आगोश मौत में होंगे, तो अल्लाह ताला फरमाएगा आज किसकी बादशाही है? तो कोई नहीं बोल सकेगा। अल्लाह फरमाएगा अनल मालिक, मैं बादशाह हूं। फरमाएगा ऐनल मुतकब्बिरून, तकब्बुर करने वाले कहाँ हैं, कुछ सर उठाने के काबिल नहीं होगा। अल्लाह फरमाएगा मैं हूं मुतकब्बिर, किबरियाई मुझी को ज़ेबा है। तो ये कल जो मानना है तो अच्छा नहीं कि आज ही मान लें और अपनी जिंदगी को उसकी राहों पे लगा लें। तो ये मुख्तसर जिंदगी अल्लाह की अमानत है, अल्लाह जल्ला शानहू हमें इस जिंदगी को उसके रास्ते में लगाने की तौफीक दे। ये आजमाइश की घड़ियाँ, ये सजा के झटके, ये इबरत के ताजियाने, ये हमारे समझाने के लिए होते हैं। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं ये डूबता हुआ सूरज रोज हमें बताता है कि मियाँ जिंदगी पायदार नहीं है, एक दिन तुम्हारी जिंदगी का सूरज भी डूब जाना है। ये फैली हुई कब्रें, ये जवानी से बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हुए लोग, ये उठते हुए जनाजे, ये सब कुछ तुम्हें बताते हैं तुम समझो और अपनी जिंदगी को खैर की राहों पर ढाल लो। ये दारुल अमल है, वो दारुल जजा है, फिर दारुल जजा में अमल नहीं हो, फिर पछतावा, फिर डाढ़ा पछतावा, सख्त पछतावा, हसरत पे हसरत, दुख अजियत,
हाय कोई चीख चीख के कहता था मैं उसकी बात मान लेता, मेरे घर में कुरान पढ़ा था मैं खोल के देख लेता, मैं मुस्लिहीन की बात सुन लेता, मैं उठते हुए जनाजों से कुछ समझ लेता, तो कल जो पछताना है तो आज ही पछता लें और अपनी जिंदगी को